देश के मुस्लिम करते हैं मोदी का सम्मान, लेकिन भारत के मुस्लिमों को है मोदी से तकलीफ। मोदी के लिए इस बड़े देश के सुल्तान ने तोड़ दिया प्रोटोकॉल, विरोधियों की उड़ी नींद। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेता भले ही मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मोदी राज में मुस्लिम देशों से भारत के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। तभी तो सरकार ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाया तो तमाम मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का साथ नहीं बल्कि भारत का साथ दिया। और बात जब एक और ऐसे मुस्लिम देश ओमान की आती है तो इस देश से तो भारत के रिश्ते आज से नहीं बल्कि ब्रिटिश काल से ही मजबूत रहे हैं। तभी तो जो ओमान का सुल्तान कभी किसी के लिए अपने महल से बाहर नहीं जाता, उन्होंने भारत के प्रेसिडेंट के लिए प्रोटोकॉल तोड़ दिया। भारत और ओमान के बीच साल 1971 में रिश्ते और मजबूत तब हुए जब ओमान के मस्कट पे भारतीय दूतावास खुला। फिर उसके बाद दोनों देशों ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये रिश्ते और भी मजबूत होते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब ओमान के सुल्तान काबूस ने भारत के राष्ट्रपति के लिए पहली बार प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया था और खुद राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गए हुए थे। ये वक्त था साल 1994 का, जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे और उसी दौरान उन्हें ओमान के दौरे पर जाने का मौका मिला। तब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने ओमान की राजधानी मस्कट में कदम रखा तो कुछ ऐसा हुआ जो ओमान के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल ओमान के सुल्तान कभी किसी विदेशी मेहमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए, लेकिन तब उन्हें पता लगा कि भारत के राष्ट्रपति ओमान आ रहे हैं तो उन्होंने एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत करने का फैसला किया। कहा जाता है कि जैसे ही पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज मस्कट पहुंचा, तब सुल्तान काबूस प्लेन में राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल के तहत ड्राइवर सहित कार भी एयरपोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुल्तान काबूस ने ड्राइवर को आदेश दिया कि वो खुद कार ड्राइव करेंगे और उन्होंने शंकर दयाल शर्मा को अपने साथ बैठाया और खुद कार ड्राइव की। ओमान के सुल्तान ने पहली बार जब प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद भारत के पूर्व राष्ट्रपति को रिसीव किया तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने आखिर भारत को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया, इस सवाल का जवाब खुद ओमान के सुल्तान ने दिया और बताया कि वो एयरपोर्ट शंकर दयाल शर्मा को रिसीव इसलिए करने नहीं गए थे कि वो भारत के राष्ट्रपति थे, बल्कि वो इसलिए एयरपोर्ट गए थे क्योंकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कभी उनके अध्यापक हुआ करते थे। सुल्तान काबूस ने तब बताया कि उन्होंने भारत में पढ़ाई की है। जिस समय वो भारत में पढ़ाई कर रहे थे उस समय उन्हें कई नई चीजें सीखने को मिली। पुणे में पढ़ाई के दौरान डॉक्टर शर्मा उनके प्रोफेसर थे, इसलिए उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे। ओमान के सुल्तान ने अपने गुरुजी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के लिए जिस तरह से प्रोटोकॉल को भी तोड़ दिया, वो बता रहा है कि गुरु के लिए शिष्य के मन में कितना मान सम्मान होना चाहिए और ये परंपरा कहीं न कहीं उन्होंने भारत से ही सीखी होगी, क्योंकि भारत में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा माना जाता है। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।